नमस्कार दोस्तों, आज हम फ्लेमिंगो बुक के हमारे पहले चैप्टर द लास्ट लेसन के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसका ऑथर या जिसका राइटर अल्फोंस डॉडेट। सबसे पहले हम अल्फोंस डॉडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अल्फोंस डॉडेट एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इनका कार्यकाल 1840 से लेकर 1897 तक, यानी 1840 से लेकर 1897 के बीच का था। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। अब 1870 से 1871 के बीच में फ्रेंचो पर्शियन वॉर चल रहा था, तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, उस कंडीशन को एनालाइज करने के बाद इन्होंने ये चैप्टर हमारा द लास्ट लेसन लिख डाला, जिसका मेन थीम फ्रेंचो पर्शियन वॉर है। और इसमें ये बताया गया है कि जो फ्रेंच है वो पर्शिया के द्वारा डिफीट कर दिया गया था, जो बिस्मार्क ने जो पर्शिया को लीडरशिप दी, जिसकी वजह से पर्शिया ने फ्रांस पे अटैक किया और फ्रांस डिफीट हो गया। उसके बाद जो अल्सेस और लोरेन फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स थे, वो पर्शिया के हाथों में आ गए, मतलब उसको उसके ऊपर पर्शिया ने कब्जा कर लिया, अपना टेक ओवर कर लिया ये दो डिस्ट्रिक्ट्स, अल्सेस और लोरेन। अब हम देखेंगे कि अल्सेस और लोरेन पे पर्शिया की क्या कार्यक्रम अल्सेस और लोरेन के अंदर रहा, क्या उनकी नीतियाँ थी, क्या उनके ऊपर दबाव डाला गया अल्सेस और लोरेन के ऊपर पर्शिया के द्वारा। तो इन सभी बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक स्टोरी की तरह है ये चैप्टर, एक स्टोरी की तरह ही हम इसको पढ़ेंगे और ख़त्म कर देंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सबकी डेली रूटीन की चीज़ होती है कि आप सब सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, वैसे ही हमारे पास इस स्टोरी के अंदर सबसे पहले एक लड़का है जिसका नाम मैं अभी बता देता हूँ। वैसे तो अभी नाम नहीं दे रखा, नाम आगे दे रखा है। उस लड़के का नाम है फ्रेंस, FRENZ, फ्रेंच, फ्रेंस और फ्रेंस कन्फ्यूज नहीं होना है। फ्रेंस यानी FRENCH और FRENCE, और फ्रेंच यानी FRENCH, ये लैंग्वेज है, और फ्रेंच FRENZ, ये उस लड़के का नाम है, तो कन्फ्यूज नहीं होना तीनों के अंदर। अब फ्रेंस है ना, वो सुबह सुबह स्कूल के लिए निकलता है, तो वो बहुत लेट हो जाता है स्कूल के लिए मॉर्निंग के अंदर, और वो बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसका टीचर जो MML है वो उसको स्कॉल्ड करेगा। और उसके स्कॉल्डिंग के दो रीज़न है, एक तो वो लेट हो गया, और दूसरा पिछले दिन उसको MML ने एक होमवर्क दिया था। अब सबको होमवर्क मिलता है, तो MML ने भी उसको होमवर्क दिया था कि तुम पार्टिसिपल्स याद करके आना। पर अब फ्रेंड्स घबराया होता है कि क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स का जो पी होता है, यानी पार्टिसिपल्स के अंदर उसको कुछ नहीं आता है, वो बिल्कुल उसका दिमाग खाली है, बिल्कुल पार्टिसिपल्स के अंदर उसको एक अक्षर तक नहीं आता है, तो इसलिए वो डरा होता है। एक तो वो लेट चला गया, ऊपर से उसको पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता, तो इसलिए वो डरा हुआ होता है। तो फिर वो सोचता है कि मैं भाग जाता हूँ। फिर वो वेदर को डिस्क्राइब करता है कि जो वेदर है उस दिन का वो बहुत अच्छा है। अब किस तरह से अच्छा है वो देख बताता है कि इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अब वो कहता है कि जो हमारा आज का मौसम है वो बहुत गर्म है, वो बहुत चमकीला, बहुत ब्राइट मौसम है, और जो बर्ड्स है वो वुड, इधर वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट, इस पैराग्राफ के अंदर वुड का मतलब फॉरेस्ट है। तो वो कहता है कि जो बर्ड्स है वो फॉरेस्ट के एज पे बैठी हुई है और चिरप कर रही है, मतलब बर्ड्स की आवाज़ होती है चिरप करना। जैसे हम बोलते हैं, हम स्पीक करते हैं अपनी लैंग्वेज को, इंग्लिश हिंदी जो भी लैंग्वेज है, तो बर्ड्स अपनी लैंग्वेज को बोलती है, स्पीक करती है, जो कि चिरप है। तो बर्ड्स चिरप करती है, और फिर वो देखता है कि जो सॉमिल है उसके पीछे जो पर्शियन सोल्जर्स है वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, वो खुदाई कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि नहीं, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, और वो मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाता हूँ और स्कूल के लिए निकल जाता हूँ। तो वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को रेजिस्ट करता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। तब और जब वो जैसे स्कूल के लिए जा रहा होता है, तो वो टाउन हॉल से पास थ्रू होता है, तो टाउन हॉल से जब पास थ्रू होता है, तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो वो सोचता है कि बुलेटिन बोर्ड पे तो भीड़ लगी होती है क्योंकि फ्रेंच पर्शियन वॉर चल रहा था, तो फिर जो बुरी अच्छी जितनी भी खबर है वो सारी उधर से ही आ रही थी, जो कमांडर का ऑर्डर है वो उधर से आ रहा था, और जितनी भी अच्छी बुरी चीज़ें हैं वो सारी हमें उधर से पता चल रही थी। तो वो सोचता है कि आज क्या हुआ होगा जो बुलेटिन बोर्ड पे इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो वो इन सब बातों को छोड़ के जाता है और स्कूल के लिए निकल रहा होता है। तो उसको एक जो ओल्ड मैन है उधर, जिसका नाम वॉचर है, तो वो ओल्ड मैन उसको उधर रोक लेता है और वो कहता है कि डोंट गो सो फास्ट बब, इधर बब का मतलब है बच्चा यानी चाइल्ड। तो वो कहता है कि बच्चे तुम इतनी तेज मत जाओ, तुम्हारे स्कूल शुरू होने में अभी बहुत समय है। तो अब फ्रेंड्स को लगता है कि वो किडिंग कर रहा है, मतलब वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो वो उसकी बात को इग्नोर करता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है, तो वो देखता है कि आज
स्कूल के अंदर हसल बसल, जो हर दिन का माहौल होता है, पूरे वीक का मंडे से सैटरडे तक का जो भी स्कूल के अंदर माहौल होता है वो नहीं है। एक संडे मॉर्निंग की तरह, संडे मॉर्निंग में जैसा स्कूल होता है बिल्कुल साइलेंट क्वाइट, वैसा आज के दिन स्कूल का मौसम है। मतलब स्कूल का आज एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत है, बहुत रिलीफ भरा माहौल है। फिर वो देखता है कि अपनी क्लास के अंदर उसके सारे दोस्त, उसके सारे क्लासमेट्स बैठे हुए होते हैं और एम हेमल इधर से घूमता रहता है अपनी क्लास के अंदर, अपना जो आयरन रूलर है उसको अपने थाई पे और उसको अपने हाथों में पकड़ के घूमता रहता है। और फिर वो जब क्लास के अंदर जाता है तो वो कहता है, सोचता है कि मैं चुपचाप जाऊंगा ताकि एम हेमल जो हमारा टीचर है उसको पता ना चले कि मैं आ गया। तो फिर वो क्या बोलता है, तो वो अपनी क्लास के अंदर जैसे जाता है तो एम हेमल बड़ी सी स्वीट और सॉफ्ट साउंड के अंदर कहता है कि दोस्तों बस इतना ही आज के लेक्चर के अंदर, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना तो मैं और बना देता, छोटी छोटी वीडियोज के अंदर आप पढ़ोगे आपको चैप्टर वाइज समझ में आ जाएगा। मैं फिर आपको इसकी कंप्लीट वीडियो पूरा लेक्चर वन शॉट के अंदर आपको एक अलग से वीडियो के अंदर जरूर दूंगा, पर अब तक के लिए इतना ही। मुझे आशा है आपको आज का इतना सा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप इस पार्ट से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छी तरह उसको सॉल्व कर लेंगे, अच्छी तरह उसको लिख लेंगे और अच्छा नंबर लेके आएंगे। तो अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या होता है जब वो ये न्यूज़ सुनता है कि अल्सेस और लोरेन पर्शा के हाथों में चले गए और कल से उनको जर्मन सिखाई जाएगी। ये मैं आपको आगे वाले पार्ट का थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ कि आगे पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे और आगे पार्ट में जो भी हम पढ़ेंगे उसका एक रिव्यू है इधर। तो हम ये भी देखेंगे कि फ्रेंड्स जो एम हेमल के बैठाने पर उसका क्या रिएक्शन रहता है, और फिर जो आगे की प्रक्रिया है वो हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।